राहुल गांधी का जन्मदिन आज पटियाला में डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू व उनकी टीम की तरफ से लंगर लगाकर मनाया गया। इस मौके डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने बताया कि प्रियंका व राहुल गांधी की सोच ऊंची और अच्छी है। उनकी सोच के मुताबिक ही हमने केक ना काट कर गरीबों के लिए लंगर लगाया है। इस मौके नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू के जल्द सियासत में सरगर्म होने की बात कही। उन्होंने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने क्रिकेट कमेंट्री तथा कॉमेडी शो के करोड़ों रुपए के ऑफर इसीलिए ठुकराए हैं कि जब तक किसानों का मसला हल नहीं होता, वह इस तरह से किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा पंजाब की सियासत पर भी नवजोत कौर सिद्धू ने खुलकर बयान दिया। गल है कि जे मैं पॉलिटिक्स करना चाहती हाँ, मैं जिहड़ी सीट मैं जे मैं पता भी नहीं हुंदा मैं किहड़े हल्के जाके, मैनूं तां जिहड़ा जगह दिंदा मैं उत्थे जाके असीं बूटे ला रहे हां, असीं 50,000 पूरे करने हैं, असीं 28,500 तो उत्ते जा चुके हैं। एंड ओह वी क्योंकि असीं मार्क करते हैं भी तुसीं बूटियां दा संभाल रखनी है, तो थोड़े वड्डे बूटे ला रहे हैं, तो बूटे मेडिसिनल प्लांट्स तो चंगे बूटे ला रहे हैं। असीं ऐ नहीं भी चक के कोई भी फाइकस शाइकस लाता, या जिवें उहने सुखा गप्पी ने लाए सीगे वो जिहड़े खजूरां ही लातियां सी, नहर तो पट्टियां खजूरां 35,000-35,000 दियां सरकार नूं बेचतियां। सो असीं तां बूटे उह ला रहे हैं, जामुन अंब लोक खान सड़कां ते, सदाबहार खान नीम नीम दे पत्ते, अश्वगंधा, मुरिंगा, असीं इहो जिहे पेड़ ला रहे हैं जिहड़े द्वारा तो अमृत मिट्टी नूं बनाना, अमले ला रहे हैं। बंदा एक आमला खा ले, विटामिन सी दी गोली दी लोड़ ही नहीं, 60% बीमारियां निकल जाएंगियां जिदन आपां नैचुरल ये खाण लग गए। नीम दी दातन कर लो, तुहानूं टूथपेस्ट दी लोड़ नहीं है, पर नहीं असीं तां सड़ा होया टूथपेस्ट लैना जिहड़ा अपने दंद खराब करेगा। सो ये कल्चर नूं बदलन लई असीं फॉरेस्ट क्रिएट कीते हैं। देखो जिहड़ा सानूं 2.5 एकड़ दित्ता है उस च असीं ऐ नहीं है भी 2-4 बूटे लाते, वो पूरा एक जंगल बनाया 2.5 एकड़ का, उत्थे 8-8 फुट की दूरी पर पेड़ लाया ताकि वो पूरा जंगल बनेगा, वो बर्ड्स आएंगे, हनी बीज आएंगे, सो एक जंगल फॉर्म होएगा, तो ऑक्सीजन का एक टैंक बनेगा। नहीं 117 ने मैनू सारा पंजाब बहुत प्यार करता, मैं जिहड़े हल्के चले जा, मैं बठिंडे मैनू लोगों ने मिंदा कीतियां तू आ जा, मैं क्या मेरा घर वाला है ही नहीं। मैनू MP की सीट राहुल गांधी वालों ऑफर हुई सी बठिंडे की, मैं रिफ्यूज किया सीगा क्योंकि एक मेरे को पैसे नहीं सी बिल्कुल भी कि मैं खर्च सकां। मैं एक सरकारी इलेक्शन बिना पैसे तो नहीं होंगे, जिहड़े बेसिक हैगे तुहानूं भी पता, एटलीस्ट मैनू सानू कदे लोड़ नहीं पई। होर गल है भी लोग सानू लड़ा देंदे हैं, बट तुहानूं एक थोड़ा बेसिक मनी चाहिए। एंड दैन नवजोत ऑल इंडिया कैंपेन कर रहे थे, अपने हसबेंड के बिना एड्डी स्ट्रोंग इलेक्शन नहीं कर सकते। जे पार्टी ने उन्होंने थोड़े दिन वेट करने लिए क्या अपने डिसीजन लिए, ही हैज़ टू वेट, ही हैज़ टू रिस्पैक्ट। जे असी पार्टी सीनियर्स नूं रिस्पैक्ट नहीं करांगे, उन्हां दा डिसीजन आन दो, फिर उस तो बाद लेट हिम टेक हिज ओन डिसीजन। देखो इन्ने 25-30 करोड़ की नौकरी छड़ के जो पंजाब के लोगों लिए बैठा है तो किसी रीजन करके बैठा है ना, तो कोई भी नहीं बैठता, मेरे हिसाब नाल कोई नहीं बैठता। आ हूँ फिर कंट्रैक्ट 10 करोड़ का आया सीगा, आ जिहड़ा क्रिकेट का हूँ गई है टीम, से जे वो छड़ रहा है कपिल शो, कपिल का हूँ थोनू भी पता है भी घरें मिन्नता करके आया भी मैं शो शुरू करना है तू 10 करोड़ का शो, भी रिफ्यूज्ड। किसान सड़कों पर बैठे मैं नहीं जाना, कहते मैं नहीं पैसे कमाने, मेरे को खाने जोगे पैसे है, मैं पंजाब पिछे हाँ। सो पंजाब के पिछे उन्होंने जो डिसीजन लेना पेगा पंजाब की भलाई लई वो लेगा, क्योंकि वो सिर्फ पंजाब बारे सोचता है। तो बच्चे उत्थे ही बैठ के IAS अफसर डॉक्टर इंजीनियर बन जान, तो उन्होंने असी कहांगे फ्रीडम, वो पंजाब का सुपना असी उहदे लई असी वर्क कर रहे हैं। एंड असी वर्क करते रहेंगे जिदन हर घर च रोटी होगी, हर घर का कोई जीव जो बच्चा पढ़ के हटे, पढ़ाई पहले एजुकेशन होगी, उन्होंने स्कूलों तक असी किवें पहुँचावे, फिर उन्होंने नौकरियों तक किवें पहुँचावे, फिर असी हुण अमृत मिट्टी ते काम कर रहे हैं, असी किसान नूं किवें अगे लैके जावांगे। सो ये सोच लैके एक नवीं पीढ़ी चली है, 117 हल्कियां च काम कर रहे हैं, इसलिए कोई ना डरे भी असी किहड़ी सीट ते कब्जा कर रहे हैं। असी किसी सीट ते कब्जा नहीं करते, सानूं तां पता भी नहीं हुंदा MLA कौन है। सानूं हक है कि असी एक सोशल इंज काम कर सकीए, तो युवा टीम जिदन इस इनवॉल्व होगी, अपने माँ बाप नूं छड्ड के इक्को ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बाहर ना जाओ। बुजुर्ग माँ बाप इत्थे जदों रह जाएंगे उन्होंने हर तरह के धक्के होंगे, उन्होंने बचाने वाले बच्चे ही होंगे हैं, सेहत खराब होंगी है बच्चे होंगे है, बच्चे प्लीज छड़ के ना जाओ, पर लीडर उहे जे चुनो जिहड़े वो बच्चों संभाल सकन ताकि वह पंजाब च रहन, यही साडा सपना है। ये तो उन्होंने पूछो अध्यापक जो सड़कों से उतरे हुए ने प्रदर्शन कर रहे ने अपनी जान तक देने दे आ गए ने कि नौकरी के पीछे हाँ। तो सरकार भी थोड़ी है लेकिन हाले तक कुछ देखो मैं ना तो मंत्री हाँ ना मैं सरकार का हिस्सा कि मैं इमीजिएटली डिसाइड करा, मैं यही कह रही हाँ इन्ने पैसे तो सरकार कमा के रखे कि एक बच्चा थोनू पता भी है भी माँ बाप के सारे पैसे अपने बच्चे की एजुकेशन पर खर्च हो जाते हैं,
बाकी थोड़े घर च दवाइया ते खर्च हो जाती है। 70% पैसा सिर्फ पढ़ाई ते दवाइया ते खर्च होंदा है आम फैमिली दा। ते उदों पढ़ा पढ़ा के बच्चे नूं जदों तुसी टीचर बनाने हो, सरकारी स्कूलों के टीचर इन्ने टेस्ट पास करके थोनू पता है किन्ने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। प्राइवेट स्कूल तो किसी ने भी नौकरी दे दो, पर जे सरकारी स्कूल का टीचर है जिहड़ा वो इन्ना वैल एजुकेटेड तो इन्ना चंगा है जो उन्होंने फैसिलिटीज़ दो उही वालियाँ जिहड़ियां बाहर हैं, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल क्यों जाए। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ते फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूल्स तो बैटर होनी चाहिए, सारे टीचर्स पूरे होने चाहिए, ता होंगे जे उन्हां दी काबिलियत दे हिसाब नाल उन्हां नूं पैसे मिलनगे। दर दर दी व्हाट डू यू मीन बाय अ कंट्रैक्ट टीचर, अ टीचर जदों टीचर ने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ले ही हैज़ टू बी टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, सरकार उन्हों चके तो सरकारी स्कूल सारे वैकेंसीज पई हैं एंड पूरी सैलरी देवे। जिन्हें अगे फ्यूचर ऑफ पंजाब बनाना है उसकी सैलरी तो उन्नी होनी चाहिए कि वह बंदा उस नौकरी तो बियॉन्ड ना सोचे, ट्यूशना बारे ना सोचे, है ना। मेरे हिसाब नाल तां मेरे वर्गा होवे मैं कहां 70,000 तो शुरू करो, क्यों नहीं करो। तुसी देखिया भी है अजकल के खर्चे किन्ने हैं, तो जिहड़ा बंदा पढ़ लिख के तुसी घर का हिसाब लगा लो कि खर्चा किन्ना हुंदा, कपड़िया ते किन्ना हुंदा, एजुकेशन ते किन्ना हुंदा, हेल्थ ते किन्ना हुंदा, रोटी किन्नी महंगी होगी, तेल थोड़े तो पवाया नहीं जाता, सरकारी असी कोई फैसिलिटी नहीं दिंदे बंद टीचर्स नूं भी थोनू स्कूल्स तक साडियां बसां लगियां असी थोनू छड्ड के आईए, फिर तुसी उहनां नूं तनखाह भी नहीं दोगे। तो जो साडे बच्चों नूं पढ़ाएंगे ही नहीं तो साडा इलिटरेट ही रह गया पंजाब। आपां तां कह रहे हां पंजाब ठीक किवें होऊगा जे आपां नवीं पीढ़ी नूं 100% एजुकेशन वाल लेके जाइए। हुण केरला वर्गियां स्टेट्स है 100% लिटरेसी है, क्यों है, क्योंकि उत्थे देखो टीचर्स की इंप्लॉयमेंट किवें है, किवें बच्चों नूं पढ़ाते हैं, उत्थे किवें है 95% उत्ते लैंदे हैं। साउथ के बच्चे सारे टॉप क्यों करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों चुना 90% तो ज़्यादा मार्क्स होंगे हैं, तो होंगे हैं क्योंकि उत्थे टीचर सैटिस्फाइड है। मेरे हिसाब से ना हजे तक कोई मीटिंग है तो ना मैनू ये बारे ना मैनू ये बारे कोई नहीं। देखो पार्टी वालों उन्होंने मैसेज आया कि साइलेंट हो जाओ, वह होए किन्नी देर तक वो जो मीटिंग होगी उस तो बाद जो डिसीजन होगा उस तो बाद सिद्धू साहब जो उन्होंने डिसीजन तो बाद अपना डिसीजन सुनाएंगे, उन्होंने पर्सनल डिसीजन है, मेरी अपनी डिसीजन।